फिर जिनको कुछ नहीं पता होगा वो लोग आपको सपने दिखाएंगे कि हाँ उधर ऐदा होंदा है ऐसे होता है वहाँ पे कनाडा ऐसा इजी है सब कुछ है बढ़िया हो जाएगा जब यहाँ पे आते हो फिर आपको वो एक बिटर ट्रूथ देखनी पड़ती है हार्श रियलिटी देखनी पड़ती है ओके सो हाय एवरीवन तो रिसेंटली कॉन्वकेशन सेरेमनी होगी मेरी फाइनली uh, तीन साल के डिले के बाद कोविड के कारण हुई नहीं थी तो वहाँ मुझे कव, कई uh, जो स्टूडेंट्स आए थे पिछले साल या इस साल जो आ रहे हैं जो वॉलन्टियर्स थे वहाँ पर उनके उनको मिलने का मौका मिला सारनी में भी स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं मिस आगा किचनर वॉरू मेरा चक्कर लगता रहता है वहाँ पर भी मिलता रहता हूँ वेबीनार्ज हो रहे हैं सैन अकेडमी के जो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हो रही है बेस्ड ऑन ऑल दैट जितनी भी मेरी इंट्रैक्शन हुई हैं जितने भी मुझे थोड़े बहुत यहाँ से एक्सपीरियंसिस जानने को मिल रहे हैं वहां ये पता चल रहा है मुझे कि जो आप सभी मतलब स्टूडेंट्स जो सोच के आए थे या जो सोच रहे हो यहाँ आने के बाद इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑपोजिट राइट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा uh, एक परसेप्शन होता है जी कि वीजा बड़ा इजी है कनाडा का ऑस्ट्रेलिया और यूएस का वीजा मुश्किल है यहाँ का कनाडा का इजी है <laughs> ईजी तो नहीं है आपको पता ही होगा कि रिजेक्शन कैसे लग रही है वीजा लग गया चलो यहाँ पे पहुंच गए इतनी महंगी फ्लाइट की टिकट खर्च के फिर होता भी चलो अकोमोडेशन ईजीली मिल जाएगी नहीं मिलती है अकोमोडेशन ईजी मैं लिटरली सारनी में मेरे जो कई फ्रेंड्स हैं अब जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेंड्स ही बन गए हैं होटल्स में रह रहे हैं एक दो महीनों से सितंबर इंटेक वाले बच्चे अब तो जनवरी इंटेक आने वाला है फिर भी पिछले बच्चों को अभी अकोमोडेशन नहीं मिली और यही हाल ब्रैमटन में कई बड़े शहरों में भी है हर जगह हाउसिंग शॉर्टेज है जो है वो शेयरिंग पे ही पांच पांच सौ डॉलर के कमरे हैं मतलब हजार हजार डॉलर का एक कमरा यहाँ पे रेंट पे मिल रहा है फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नहीं जी टोरटो ब्रैमटन जाना है वहां पे रिश्तेदार है वहां पे पार्ट टाइम जॉब बहुत है वहां किसी एजेंट ने कह दिया था कि टोरंटो जो जो काम भी बड़ा है नहीं है मतलब देखो इसी लालच के कारण ना ये जो वहां पे कम बड़ा जी वो उस चक्कर से वहां पे इतने जो स्टूडेंट जाने शुरू हो गए उसी, उसी के कारण वहां पे छोटे तो छोटे प्राइवेट कॉलेजेस इतने खुल गए हैं उसी के कारण आप वहां पे मतलब वो एक विशेष साइकिल बन गया हुआ है इस एक स्टेटमेंट के कारण कम बड़ा और भाई इसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ फिर आती है बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है टॉप नोच फैसिलिटीज हैं। देखो सब अपनी जगह ठीक है बट एजुकेशन के बेस पे अगर आपको लगता है ना कि हाँ आपने डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया वो दिखा के आपको जॉब मिल जाएगी नहीं होने वाला ऐसा इट्स मतलब नहीं होने वाला ऐसा फिर होता है परले पास तो पी आर ईजी है इमिग्रेशन में थोड़ा चलो आसानी हो जाएगी सेटल इजली हो जाएंगे आपको भी पता ही होगा कि स्कोर कहाँ पहुंचे हुए हैं कहाँ कहाँ मूव करना पड़ता है पीएनपी कितनी मुश्किल हो गई है कई प्रोविंसेस में रूल्स बदलते रहते हैं हर दो साल बाद तो ईजी तो नहीं है पी आर ठीक है रेलेटिवली आपको थोड़ी जल्दी मिल सकती है बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में लेकिन ईजी नहीं है mm -hmm. फिर चलो कैनेडा में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है इतने है, अगर सेक्रीफाइस मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो जी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी देखो अगर सारा टाइम काम ही करी गए मतलब देखो मैं ज्यादा नहीं आ, बात करूंगा इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी जी ऐसे हम डीमोटिवेट हो रहे हैं पहली बात तो अगर सिर्फ आप मेरे कुछ कहने से डीमोटिवेट हो रहे हो तो ऐसे डीमोटिवेट मत हुआ करो ये जस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ में बड़ी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन आने वाली है अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के एक ब्रांड न्यू कंट्री में आ रहे हो तो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए अपना माइंड अपना उस हिसाब से सेटअप करके रखो बातों से डीमोटिवेट ना हुआ करो ये डिस्कशन है तो इसलिए प्रॉब्लम्स तो चलो आपको पता ही है वो सभी को पता है अगर जरूरत पड़ेगी इस पर एक एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे बट सोल्यूशन्स के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर आप 2023 में कनाडा आ रहे हो या अगले कुछ साल में कनाडा सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हो और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है तो इनसे डील कैसे किया जाए लेट्स डिस्कस दैट हाँ जी तो स्टेज वाइज बात करते हैं सबसे पहले जब आप यहाँ आने वाले हो तो सबसे पहले वो जो स्टडी परमिट होता है एक वीज़ा होता है जो आपने अप्लाई करना है उसमें आपको पता है कि रिजेक्शन बहुत आ रही हैं अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स की जो हमें पता होता है ना मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था चार साल पहले तो जो पता होती है चीजें कि हाँ जी जी मास्टर्स करनी है पिछले बैकग्राउंड से रेलिवेंट होना चाहिए आर्ट्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए फंड दिखाओ ये स्टोरी एस वापस आना इंडिया मतलब ये सारी चीजें पता होती हैं

हर एक प्रोफाइल डिफरेंट होती है हर एक सिचुएशन डिफरेंट होती है हर एक स्टोरी जो वीजा ऑफिसर के सामने आपने प्रोजेक्ट करनी है अपने बारे में अपने करियर प्लान के बारे में वो डिफरेंट होती है वन थिंग यू कैन डू इज टू एक्चुअली हायर एन रजिस्टर्ड इमिग्रेशन जो यहां पे जिन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में लिटरली प्रोग्राम है वो पूरा करके एग्जाम दे के लाइसेंसिंग फी दे के कंटिन्यूंग एजुकेशन अटेंड करके पर्सन कैन बिकम एन आर सी आई सी रजिस्टर्ड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो आपकी बेस्ट बैठ यही होगी कि अगर आपको एडवाइस चाहिए ना अगर आपको चाहिए कि हाँ जी, कोई बंदा आपको सजेस्ट कर दे कि क्या करना चाहिए या आपके बिहाफ पे सबमिट uh, कर दे स्टडी परमिट एप्लीकेशन जिससे आपके रिजेक्शन के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो क्योंकि जो जो एक आरसीआईसी आपको सजेस्ट कर सकता है वो आपके वहां होम कंट्री में बैठे रैंडम स्टडी अब्रॉड एजेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते वो चीजें आपको एडवाइस एंड वट्स मोर अनफॉर्चुनेट इज के ऐसा कोई रेगुलेशन सिस्टम होम कंट्रीज में नहीं है जो कैनेडा में है अब कैनेडा में है तो आपको उस चीज का फायदा लेना चाहिए कि यहाँ के रेगुलेटेड सिस्टम के, के हिसाब से जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं उनसे एडवाइस लो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या किया जाए कि वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएं। अब चक्कर ये है कि आरसीआईसी जो कुछ गिने चुने इंडिया में या होम कंट्री में या आपके स्टेट में आपके शहर में होंगे या तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी या तो वो होंगे ही नहीं एक्सेसिबल ही नहीं होंगे उसके लिए आई एम प्राउड टू अनाउंस की एसआरएन अकेडमी नाउ हैज टीम ऑफ आरसीआईसी जो आपको गाइड कर सकती है वंस यू हैव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या ऑफर लेटर और आप उस प्रोसेस में हो अगेन एज ऑलवेज अगर आपका ऑफर लेटर एस आर के थ्रू आया एस आर एन अकेडमी के किसी पार्टनर के थ्रू आया तो वो आर सी की जो सारी सर्विसेज हैं ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू आपसे आपके पेरेंट्स से किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और ये चीजें सेगोशिएट से कर पाए सीरियसली एंड ऑल थैंक्स टू यू जितने भी स्टूडेंट uh, ने वेबिनार्सेंड कोर्सेजेंड किएल्ड है ऑलरेडी इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी टू नेगोशियट विद आरसीआई सारा कुछ जो मैं कर पाया हूं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू अब अगर ये चीज अवेलेबल है तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस मैं फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर थ्रू दैट लिंक ताकि जब आगे चल के प्रोसेस में वीजा एप्लीकेशन का टाइम आए तो आपके लिए आरसीआईसी की सर्विसेज अवेलेबल हो फिर आती है जी बात यहाँ जब आप पहुंच गए तो अकोमोडेशन फाइंड करनी है घर ढूंढना वो दिन बीत गए जब फेसबुक मार्केट प्लेस पे या कि जी पे आपने कोई एड देखते थे दस पंद्रह एड देखी चार पांच शॉर्टलिस्ट किए दो दिन को जाके मिल लिया एक से नेगोशिएट कर लिया और वहां पे ली सेन कर ली अब काफी हद तक ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि कोविड के बाद जो डेमोग्राफिक्स बदले हैं हाउसिंग शॉर्टेज इज रियल तो आप पहले ही ग्रुप्स में घर ढूंढने शुरू करो ताकि आप जब एक घर ढूंढो तो आपको उसमें डील मिल जाए आपके नेगोशिएट करने के चांसेस बढ़ जाए देखो लैंडलॉर्ड को भी ना एक एक कमरा फिलअप करना उसको मुश्किल लगता है ज्यादा तो अगर आपने खुद ही ग्रुप बना लिया और पूरा घर ही आप रेंट आउट कर रहे हो तो आप तीन चार डॉलर वहां पर नेगोशिएट कर सकते हो ताकि डिवाइड हो कि आपका रेंट ओवरऑल कम हो जाए तो डोंट ट्राई टू फाइंड रूम यानी ट्राई टू फाइंड हाउसेज ग्रुप्स में ढूंढो

उनके साथ जो टोरंटो के दूर वाले जो पब्लिक कॉलेजेस थे उन्होंने पार्टनरशिप करके ना वहां पे उनको पीजी अप्रूव्ड प्रोग्राम्स का एक्सेस तो दे दिया उन छोटे छोटे कॉलेजेस को बट इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाली बात नहीं है ना मेन कैंपसेज वाली बात नहीं है तो वो जो आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस था वो सारा इफेक्ट हो गया आप बस वो पीजी के चक्कर में वो छोटे से हॉल में क्लासे लगा के आ, उस वो चक्कर में आ रहे हो टोरोंटो ब्रैमटन के और उसे पार्ट टाइम जॉब बहुत सिर्फ बड़े शहर के नाम पे बड़ा कुछ गलत हो जाता है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट ये चीजें ना थोड़ी रिसर्च करके आओ भी मेन कैंपसेज में आओ जो कॉलेजेस के बड़े बड़े मेन कैंपसेज है अगर आप कनाडा की एजुकेशन लेने आ रहे हो मेक श्योर के वहां आओ, जहाँ पे कनेडियंस पढ़ते हैं समझ आई बात उन कॉलेजेस या उन छोटे छोटे कैंपसेज में या छोटे छोटे इंस्टिट्यूट्स में ना आ जाओ जिनके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज या पब्लिक कॉलेजेस के टाइटल्स तो हैं पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव कोर्सेज तो हैं डीएलए नंबर्स तो हैं क्योंकि पीछे से पब्लिक कॉलेज की बैकिंग होएगी लेकिन कीप इन माइंड के जो आप तीस चालीस डॉलर डाल रहे हो ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए वो

परसेप्शन होता है ड्रीम होता है कि हाँ स्टडी अब्रोड करने जा रहे हैं हम अपनी होम कंट्री से बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो टॉप नोच एजुकेशन हमें मिलेगी उस एजुकेशन के बेस पे हमारा बड़ा अच्छा करियर बन जाएगा या इट्स ट्रू मतलब आई आई कैंट डिनाई द फैक्ट कि जी एजुकेशन मैटर्स बहुत कुछ एडअप होता है आपकी पर्सनैलिटी में आपके ब्रांड वैल्यू में आपके कॉन्फिडेंस में आप स्किल्स भी गेन करते हो अगर आप अच्छा प्रोग्राम चूज करके आए हो लेकिन वो तो और चार लोग कर रहे हैं ना उसके बेस पे आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ आपने बस वो डिग्री या डिप्लोमा कर लिया जैसा मैंने अभी कहा था कि उस बेस पे आपको जी जॉब मिल जाएगी सारा करियर सेट हो जाएगा ना आपको स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से लगाने पड़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें आउटसाइड ऑफ योर फील्ड सीखनी पड़ सकती हैं वो सीखने के रिसोर्सेज सर्टिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए आप उसे एक कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए जहां से आपको एक कांस्टेंट गाइडेंस मिल रही है ताकि आप अपने आप को इवॉल्व कर पाओ कंपनी आपको ठीक रखनी पड़ेगी ये ना हो आप वही चार लोगों में बैठे हो और वहीं आपका एक सोशल सर्कल और आपकी सोच वहां तक ही लिमिटेड हो गई है अपना सोशल सर्कल डाइवर्सिफाई करो अपना नॉलेज बेस डाइवर्सिफाई करो स्किल्स डाइवर्सिफाई करो ताकि आप और एक और चीज इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ कंपेटिटिव करियर ना कि जो बहुत हाई पिंग हो डाउन द लाइन डोंट चूज एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक करियर के हाँ बस जी वही इंडस्ट्री चुन आप काम कर सकते हैं इंडस्ट्री से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो तरह तरह की जॉब प्रोफाइल्स भी पता हो कि अगर बाय चांस आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाह रहे हो उसमें जॉब प्रोफाइल ऐसी चूज करो कि उस जॉब प्रोफाइल के साथ कल को आपको अपनी इंडस्ट्री भी बदलनी पड़ जाए ना तो वो आपको मुश्किल ना हो दीज आर द वेरी क्रिशल थिंग्स दैट यू नीड टू फिगर आउट वाई एक्चुअली चूजिंग योर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम या टू यू नो इंटू दिस प्रोसेस और ये सारा कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, है लाइन तो मिलने वाला है और उसके अलावा भी मैं हर महीने वेबिनार लेता रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ अगर आप नेक्स्ट वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते रहो मैं वहां पर लिंक डालता होता हूँ क्योंकि वहीं से वेबिनार फुल हो जाते हैं फिर है जी एक है इजी पीआर वाला पॉइंट जब मैं आया था ना तब ये वाला पॉइंट बहुत मैटर करता था कि कनाडा में इजी है जी पीआर ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में बहुत मुश्किल है कनाडा में इजी है तो कनाडा चल जाते हैं ये एक चॉइस हो जाती थी भी कंट्री चूज करने के लिए आसानी हो जाती थी विच यू में नो ऑलरेडी के इज नॉट द केस एनी मोर पॉइंट्स तो मतलब नॉर्मली हो रहे हैं सीआरएस के सीई के ड्रॉ आ नहीं रहे तो इट्स नॉट इजी मतलब जल्दी तो हो सकती है लेकिन आपके माइंड में ये मुश्किल ही होएगी इजी तो नहीं होएगी ना टाइम के साथ साथ इसलिए यहाँ पे एक आरसीआईसी रजिस्टर्ड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से गाइडेंस लेना और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है रैंडम स्टडी अब्रॉड एजेंट्स जो जिनसे आप अभी तक बात कर रहे हो या करते हो उनको नहीं पता इन चीजों का उन्होंने कनाडा खुद भी नहीं आए हुए वो कनाडा का भी ठीक है ना भाई इस चीज का भी आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो गाइडेंस का सोर्स है जहां से आप एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर के वो गाइडेंस का जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है वो गाइडेंस और एडवाइस आपको एक्सपीरियंस से मिल रही है ना कि बस हाँ हाँ हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इजी कुछ नहीं है ठीक है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप जी डीमोटिवेट हो जाए जैसा मैंने अभी कहा कि वर्ड से डीमोटिवेट ना होना क्योंकि सिचुएशन आगे बड़ी मुश्किल आने वाली है तो किसी के कुछ कहने से आपको डीमोटिवेशन फील नहीं होनी चाहिए पहली बात बट इट शुड एटलीस्ट ट्रिगर सम काइंड ऑफ थॉट्स इन योर माइंड के हाँ ध्यान से चलना है प्लानिंग करनी है सारी चीजें ठीक करनी है ये चीज फिगर होने जानी चाहिए सो दैट्स इट, एंड आई होप इट हेल्प्स।